उमर रजी अल्लाह तआला ने मदीना मुनव्वरा से जुमा की खुतबे में कहा, या सारिया दल जबल, के सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ अपने साथियों को लेकर। जुमा के दिन खुतबा हो रहा मदीने में और सारे सहाबा खुतबे में जुमा के, कोई कह रहा है उमर को नींद आ गई, कोई कह रहा है उमर बहक गए, कोई कह रहा थके हुए हैं, यहां कहां सारिया, वो जमात लेके वहां उस इलाके में है, वहां तक कहां आवाज पहुंचेगी। लेकिन जमात वापस आई, कहा मोमिनीन हमने आपकी आवाज सुनी और सबने सुनी, हमने आपकी आवाज सुनी और सबने सुनी, और आपकी आवाज सुनते ही हम सब पहाड़ की तरफ हो गए, इसलिए अल्लाह ने हमें दुश्मन पर फतह दे दी। या सारी दल जबल, मैं आपसे अर्ज करता हूं, एक सहाबी का बेटा मुशरिकीन की कैद में, एक सहाबी का बेटा मुशरिकीन की कैद में, एक सहाबी का बेटा मुशरिकीन की कैद में, इन्हें फिक्र कि उसकी नमाज का क्या होगा, क्योंकि वह ऐसे अंधेरी कोठरी में है कि वहां सूरज के निकलने का पता नहीं चलेगा और उसकी नमाज फजर की कज़ा ना हो जावे। तो किसी इलाके में तो ये सहाबी रोजाना फजर की अजान के वक्त अपने बेटे से कहते थे कि बेटे नमाज पढ़ लो, अजान हो गई, बेटे नमाज पढ़ लो, अजान हो गई। अल्लाह ताला इस बाप की आवाज उस जेल में मुशरिकीन की कैद में बेटे को पहुंचा दिया करते थे, रोजाना फजर की नमाज के लिए बाप की आवाज मदीने से उस इलाके में पहुंचती थी बेटे के पास जहां वो कैद में था। लोग कहते तो जमाने की बातें हैं, माना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी जमात के साथ गए मेवात, असर का बताया बस में जमात पूरी, असर का करीब आया तो एक साथी उठ के गया, जाके कहा बस वाले से बस रोको, उसने क्या बात है, क्या नमाज पढ़नी है सर, कौन पढ़ता है नमाज, नमाज कौन नमाज पढ़ता है, चलो बसे रुकेगी, बस नहीं रुकेगी, बसे रुकेगी। अब सोच लो जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि जब मुसलमान के दीन के किसी हुक्म के खिलाफ कोई रुकावट आ जाती है तो मुसलमान ये कहकर बेफिक्र हो जाता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, ड्राइवर ये कह रहा है बस ही रुकेगी तो अब हम नमाज के मुकल्लफ नहीं रहे, क्योंकि बस में से कूद जावे चलती बस में से ये तो वैसे भी जायज नहीं है, जान को खतरे में डालना। जी हाँ सुनो क्या करें, अब क्या करें, लिहाजा मजबूर है हम, हमने बस वाले से कह दिया है हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। सुनो गौर से, ये हम सब का हाल है, किसी भी मुसलमान को दुनिया के किसी भी शोबे में अल्लाह का कोई हुक्म पूरा करने में अगर रुकावट पेश आ जाए तो मुसलमान 10-20-50 जमा होकर जाकर एहतजाज कर लेंगे हुकूमत से, और ये कहेंगे हमें ये काम की इजाजत दो, वो कहेंगे नहीं देते, ये कहेंगे हमने तो कोशिश कर ली अपनी, हमने तो अपनी थी कोशिश कर ली है, लिहाजा आप तो मुकल्लफ है नहीं, छोड़ दो दीन का हुक्म, इसलिए कि हमने कोशिश कर ली है वो तैयार नहीं है, अब हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुनो गौर से, तो वो साहब आए ड्राइवर के पास, ड्राइवर ने कहा बस नहीं रुकेगी, ये जाके बैठ गया अपनी सीट पर। हज ने फरमाया भाई असर की नमाज कहाँ पढ़नी है, वो साहब बोले कि जी हमने तो जाकर ड्राइवर से बात की थी, ड्राइवर ने तो बस रोकने से
इनकार कर दिया। हमने फरमाया तुमने ड्राइवर से बात करने से पहले, तुमने बस के ड्राइवर से बात करने से पहले क्या बस में जितने भी मुसलमान हैं तुम्हारे साथ तुमने उन सबको नमाज की अहमियत, नमाज की दावत और नमाज पढ़ने पर अजाब, नमाज पढ़ने पर सवाब, ये सारा बस के सारे मुसलमानों को समझा दिया था? इन जितने मुसलमान बस में हैं इन सबको तुमने नमाज की तरह आमादा कर लिया था? क्यों? इसलिए कि जब मुसलमान ये समझता है किसे अमल करना होगा कर लेगा, मुझे तो अपने अमल की फिक्र करनी चाहिए। हजरत ने फरमाया कि जे तुमने सबको दावत नहीं दी, तुमने सबको दावत नहीं दी तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इस बस को कैसे मुसफर कर दे? ये दावत देने पर सूरज मुसफर हो सकता है, कसरे किस तरह की हुकूमतें मुसफर हो सकती हैं। मैंने अर्ज किया कि सूरज मुसफर हो सकता है तो इस बस को मुसफर होना कौन सी बड़ी बात है? फरमाया तुम हर एक शख्स बराबर वाले से बात करे, जिसके पास आगे पीछे लोग बैठे हुए थे उसने उनसे मुलाकात की, बात की, इस्लाम दावत दी, नमाज की अहमियत बतलाई। अभी ये बात चली रही थी कि अचानक बस में कोई खराबी हुई, बस ठहर गई, सारे साथी उतरे, सब ने वजू किया, नमाज पढ़ी। बस वाले ने खुद इस बात का एतराफ किया, गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिम था, उसने खुद एतराफ किया। उसने कहा कि तुम्हारा आदमी पहली बार मेरे पास आया, तुम्हारा आदमी पहली बार मेरे पास आया तो मैंने गुस्से से कहा था कि बस नहीं रुकेगी और मुझे कोई खौफ नहीं था इसका, लेकिन जब से तुमने आपस में बात शुरू की मुझे डर था कि अब कुछ होने वाला है। और अल्लाह ताला ने दावत में रौब रखा है। मैं ये तुम्हें समझाना चाहता हूं, असल बात ये थी अल्लाह ने दावत में रौब रखा है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, सारी रूम की हुकूमत अज़र इब्न हुज़ाफ़ा को उनके दीन से हटाने पर मजबूर हो गई, हटाना से पूरी कोशिश कर ली, आधा मुल्क देने को तैयार लेकिन अपने दिन को छोड़ने को तैयार नहीं, दिन को छोड़ने को वो तैयार नहीं। तो मेरे दोस्तों अजीजों असल बात यह है कि मुसलमान अपने दीन पर कायम रह सकता है अपने दीन की दावत से। इसलिए कि दावत के बगैर ये अल्लाह के यहां माजूर नहीं समझा जाएगा। और दाई जो होता है पुरउम्मीद होता है, दाई पुरउम्मीद होता है, दाई पुरउम्मीद होता है, किसी भी हालात हो दाई पुरउम्मीद होता है। कभी मुसलमान दावत पर होते हुए, क्योंकि मेहनत करने वालों के अंदर दो सिफतें होंगी, एक तो मेहनत करने वाले अपने दीन के बारे में किसी की मलामत की परवाह नहीं करेंगे, युजाहिदुन फी सबीलिल्लाह वला यखाफुन लौमत लाइन, कि अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद वो किसी की मलामत की परवाह नहीं किया करता, अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद किसी की मलामत की परवाह नहीं किया करता। और दूसरी बात यह है कि वो अपने दीन की दावत की वजह से उम्मत की हिदायत से कभी मायूस नहीं होता, उम्मत की हिदायत से कभी मायूस नहीं। एक जमात दावत देने चली एक ऐसी कौम को जिनकी हलाकत का अल्लाह ने फैसला कर लिया था उनके गुनाहों की वजह से, लोगों ने कहा भाई इन्हें दावत देने से कोई फायदा नहीं, अब तो ये अपने गुनाहों में और अपने फिस्क व फुजूर में और अपनी बदकारियों में इतने आगे चले गए कि अब अल्लाह ने इनकी हलाकत का फैसला कर लिया। दावत देने वालों ने कहा कि नहीं, हम तो इनको इसी दावत देने जा रहे हैं
कि हमें उम्मीद है कि ये अभी तकवे पर आ जाएंगे, ये तकवे पर आ जाएंगे, हमें उम्मीद है कि तकवे पर आ जाएंगे। और हमें ये भी उम्मीद है, हमें ये भी उम्मीद है कि हम खुद जाकर अगर दावत देंगे तब हम अल्लाह के यहाँ माजूर करार दिए जाएंगे। قالوا معذرين الى ربكم ولعلهم يتقون, ये दो बातें कही उन्होंने जिनको दावत देने से रोका गया, जिनको दावत देने से ये कहकर रोका गया कि भाई अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि पहले से दावत देते इनको, अब तो अल्लाह ने इनको हलाक करने तय कर लिया है। क्योंकि सही हदीस में है कि जो अल्लाह के बंदों को दावत देकर आमाले मस्जिद से जोड़ते हैं, अल्लाह ताला इनकी वजह से वो अजाब हटा देते हैं, इस अजाब का आना मुकद्दर हो चुका है। सही रिवायत वैसे लोग आमाल से आबाद करने वालों की वजह से वाजब हटा दिया जाता है, वाजब हटा दिया जाता है। यही इन्होंने भी कहा कि हमें उम्मीद है कि तकवे पर आ जाएंगे और हम अल्लाह के हमें जिम्मेदारी को पूरा करने वाले समझ जाएंगे।